यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र, आप देख रहे हैं दिन भर दिल्ली। आज दिन भर दिल्ली में बात करेंगे बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन की और बताएंगे कि आखिर किसकी नींद उड़ी है, बसपा के इस सम्मेलन से किसकी नींद उड़ी है। साथ ही बात होगी किसान आंदोलन के नए अंदाज की, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है। तो वहीं बात करेंगे 22 के लिए सपा और आरएलडी के मेगा प्लान की भी, और फिर बात होगी हक के लिए जारी हड़ताल की, जिसके लिए सरकार ने सख्त चेतावनी डाली। और फिर बात करेंगे एक नदी के दर्द भरी कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा ने राज्य के विभिन्न जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन की श्रृंखला के माध्यम से ब्राह्मण वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसे पार्टी काफी सफल बता रही है। और अब लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसमें होने वाले विधानसभा चुनाव के शंखनाद से पहले ही प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई है। सपा, कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़ बसपा पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। 22 में सत्ता हासिल करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा यूपी की सियासी पिच पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित ब्राह्मण कार्ड खेला है, जो 23 जुलाई को श्री राम लला के दर्शन के साथ शुरू होकर आगे बढ़ते बढ़ते कौशाम्बी पहुंच चुका है। की बार जो है ब्राह्मण समाज ने प्रण कर लिया, तय कर लिया है कि वो हर उस जुल्म का जो बदला उससे पिछले 4.5 साल में जुल्म किए गए हैं, जातियां की गई हैं, लोग मारे गए हैं, शूट आउट्स हुए हैं, उसका वो गिन गिन के बदला लेंगे और अब की बार अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके अपना जो उन्होंने जो जुल्म उनके ऊपर हुए उसका भी हिसाब किताब। जी हाँ, अयोध्या से शुरू हुए इस कारवां की ये पूरी तस्वीर बताती है कि सत्ता से सालों से दूर रही बसपा में जान फूकने की काम कर रही है। सालों सत्ता से दूर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ने लगा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वो चार लोगों को ढूंढ पाए ब्राह्मण समाज के अपने साथ में बैठा करके, और उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग भाई कुछ करिए। और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहन मायावती जी के उसके निर्देशों में आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया है। तो वो परेशान होने लगे क्योंकि उनकी ही सरकार में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी भी हो, किस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्पीड़न हुआ है वो उनसे छुपा नहीं है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों की सफलता बसपा में लोगों के विश्वास का संकेत है और इससे उनके राजनीतिक विरोधियों की नींद उड़ गई है। मेरे निर्देशन में पार्टी महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र की ओर से प्रदेश में चलाई जा रही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से चर्चा में है। संगोष्ठी के प्रति उत्साहपूर्ण भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि लोगों का बसपा में विश्वास है। इसके लिए सभी का दिल से आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को
और धार देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने एक नया ऐलान कर दिया है। टिकैत ब्रिगेड अब लखनऊ को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं पूरे मामले पर सियासत भी काफी गर्माने लगी है। किसान आंदोलन का नया अभियान, राकेश टिकैत का लखनऊ दाव, टिकैत के दाव पर सियासी तनाव, कृषि कानून के खिलाफ मिशन यूपी, राकेश टिकैत का ऐलान जंग। किसान आंदोलन, ट्रैक्टर मार्च और फिर किसान संसद। कृषि कानूनों की खिलाफत कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत का चौंका देने वाला एक बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में चारों तरफ के रास्ते सील हैं, ऐसे ही लखनऊ में भी सील होंगे। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी कहा कि हम इसकी तैयारी करेंगे। और इसके साथ टिकैत ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत करने की बात भी कही। राकेश टिकैत के इस ऐलान से उनके इरादों को समझा जा सकता है, किसानों की मंशा को पढ़ा जा सकता है। दरअसल यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में दिल्ली के साथ साथ लखनऊ को घेराव कर आंदोलनकारी किसान योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन टिकैत का कहना है कि हमारा चुनाव से क्या मतलब है, जनता जिससे खुश होगी उसे वोट दे देगी। उधर किसानों का खुलकर समर्थन कर रहे विपक्ष का कहना कि केंद्र सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं, सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए तीनों कानून लेकर आई है। पूरा संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो ऐड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे, ये सारी चीज हम बताएंगे। जाएंगे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में, बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। वही किसानों की इस हुंकार को बीजेपी सियासी ड्रामा बता रही है। इधर राकेश टिकैत के लखनऊ को भी दिल्ली बनाने वाले बयान को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। एडीजीएलओ प्रशांत कुमार ने कहा है, हम संवाद से समाधान पर विश्वास करते हैं। बहरहाल राकेश टिकैत के बयान पर भले ही सियासी भूचाल आया हुआ हो, इसका कारण भी समझा जा सकता है, क्योंकि 22 का चुनाव यूपी के मुहाने पर आ गया है, जिसे विपक्ष भुनाने तो बीजेपी बचाने में जुटी है। लेकिन राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि मोदी सरकार से है। अब देखना यह है कि कानून, किसान और कोहराम में किसकी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रदेश भर के एम्बुलेंस कर्मियों का हड़ताल जारी है। ठेका प्रथा समाप्त करने समेत कई मांगों को लेकर ये हड़ताल पर हैं, तो वहीं सरकार ने सभी कर्मचारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या चेतावनी है सरकार की और क्या चाहते हैं एम्बुलेंस कर्मी, आप देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हक के लिए हल्ला बोल जारी। स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट भारी। सरकार की सख्त चेतावनी जारी। एम्बुलेंस के अभाव में FIR की तैयारी। और अगर वो नहीं उसमें कार्रवाई करेंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको यहाँ से जेल में डालेंगे। मांगे पूरी नहीं होने तक चक्का जाम। ये जिंदगी बचाने वाले कर्मचारियों का हल्ला बोल है, ये नई जिंदगी देने वाले कर्मचारियों का आक्रोश है। दरअसल समायोजन समेत 6 मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं, जिसमें उनकी मांगे हैं कि ठेका प्रथा समाप्त किए जाने की मांग, वेतन में कटौती ना करने की मांग, प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता देने की मांग,
30,000 महंगाई भत्ता देने की मांग, अनुभवी कर्मचारियों को रखने की मांग, कोरोना काल में मृत कर्मचारियों के लिए मांग, परिवार को बीमा राशि दी जाए, सहायता राशि जारी की जाए, 50,00,000 बीमा आश्रितों को मिले, नई कंपनी से नौकरी जाने का डर। एम्बुलेंस कर्मी लगातार हड़ताल पर है और एम्बुलेंस के चक्का जाम है, ऐसे में पूरे प्रदेश में तमाम जो मरीज हैं उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। इनकी सीधे तौर पर मांग है कि ठेका पट्टा जो प्रक्रिया है उसे बंद किया जाए। दरअसल भीषण गर्मी में पीपी किट पहनकर मरीजों को अस्पताल से घर और घर से अस्पताल ले जाने का काम करते रहे हैं, लेकिन आज यही कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आप देखिए तमाम यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं 108 है, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, सारे लोग आप देखिए इनके अधिकारियों के साथ यहाँ पर मीटिंग चल रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम अपनी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम ये अपना धरना चालू रखेंगे। समायोजन समिति 6 मांगों को लेकर गोंडा में भी एम्बुलेंस कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर चले गए और मांग कर रहे हैं कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी हड़ताल जारी रखेंगे। ये तस्वीर बिजनौर की है जहां सोमवार से ही एम्बुलेंस स्टाफ गाड़ियों का चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार से सभी मांगे पूरी करवाने के लिए धरना दे रहे हैं। संभल जिले में भी एम्बुलेंस कर्मचारी प्रदेश यूनियन के आह्वान पर कर्मचारियों ने एम्बुलेंस के पहियों पर ब्रेक लगा दिया। कर्मचारियों ने गाड़ियों को खड़ी करके धरना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल की कीमत मरीजों को चुकानी पड़ रही है। सरकार और एम्बुलेंस कर्मचारी प्रदेश यूनियन की इस लड़ाई में मरीजों की जान पर बनाई है, जिसकी जीती जागती गवाही हरदोई से आई ये तस्वीर बयां कर रही है। परिजनों ने 4 बार कॉल की लेकिन हड़ताल के चलते एम्बुलेंस नहीं मिली, जिस पर परिजन पिकअप पर चारपाई डालकर मरीज को अस्पताल ले गए। मरीज बेहटा कोकुल थाना क्षेत्र के सकाहा गैथरा निवासी बताया गया। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्त चेतावनी दे दी है। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने हिदायत देते हुए कहा है कि यदि 102 और 108 सेवाएं प्रभावित हुई और एम्बुलेंस के चलते किसी की मौत हुई तो FIR दर्ज होगी। सबको वार्निंग दे दिया, अगर वो नहीं अपना चालू करेंगे तो ड्राइवर्स के ऊपर भी FIR होगा, GVK के ऊपर भी कार्रवाई होगी और कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो सकता है। GVK को भी बता दिया गया है कि आपके यूनियन के माध्यम से इन लोग को प्रभावित किया जा रहा है और वो GVK के वर्कफोर्स के ही हैं, और अगर वो नहीं उसमें कार्रवाई करेंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको यहाँ से जेल में डालेंगे। वही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल को लेकर सपा MLC उदयवीर सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि एम्बुलेंस डीजल और चालकों को वेतन देने से चलती है, ना कि FIR करने से। यदि किसी व्यक्ति का परिजन सुविधा के अभाव में मर जाता है तो क्या FIR से वो वापस आ जाएगा? सरकार को धमकी देने की मानसिकता से बाहर आके जो एम्बुलेंस चालकों की समस्या है उसको सुलझाना चाहिए। फिलहाल सरकार FIR की चेतावनी दे रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और एम्बुलेंस संघ का कहना है सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। सरकार दिखा रही है कि 1,000 लोगों को रोजगार दे दिया, जबकि ये छुपाया जा रहा है कि पुराने 1,000 लोगों से रोजगार छीन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मरीजों के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, जिसकी किसी को नहीं पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देवरिया में नदियां इस